अच्छा टोल दे चलिए चलिए, बाकी लोग साइड हो जाए। क्या है यहाँ? मैं सर यहीं पे टीम लीडर हूँ, ऊपर एक स्टोर है। क्या घटना हुई थी? सर यहाँ पूमा स्टोर में एक पुराना, जैसे यहाँ पे एक लड़का है, उन लोगों की बाहर की कोई बात थी। अब हम लोगों को ये नहीं मालूम, वो खोजते हुए दो लोग आए, अंदर आए और मतलब गाली गलौज थोड़ी बहुत किए, तो बाहर निकल गए उसको समझा बुझा करके। मतलब एक आदमी समझ रहा था, एक आदमी नहीं समझ रहा था, वो लोग बाहर निकल गए। बाहर होने के बाद यहाँ पे बीच में जो हॉल का एरिया है वहाँ पे मतलब असलहा निकाल करके जो है कि मतलब लहराना और मार दूंगा ये करना। तो बाकी जो यहाँ के हर स्टोर के स्टाफ थे, मतलब कोई पर्सनली नहीं, सारे स्टाफ थे, तो उसमें से जो है कि जो हर्षित है, जो जिनके यहाँ के लड़के को वो खोजने आया था, वो अपना बातचीत करते करते उनसे जब बहस होने लगी तो उनका पिस्टल उन्होंने पकड़ा और उनके मतलब मिस हो गया या जो भी हुआ वो गिर गई। तो उनका जो दूसरा साथी था ऑलरेडी जो बाहर जा चुका था, वो बाहर आया और जैसे आप लोग भीड़ में हैं इसी तरीके से अंधाधुन उसने 3-4 फायरिंग का, एक पहले ऊपर फायर किया उसके बाद 3-4 फायर कर दिया। लोग थे और कई बजे घटना? सर तुरंत अभी सर ऑलरेडी सर थोड़ा सा प्रेशर इतना दिमाग पे, 2-2.5 घंटे तो हो ही गए होंगे। सर लोग थे? 3 लोग थे, एक ऑलरेडी सबसे पहले बाहर जा चुका था, दूसरा अंदर था यहाँ पे जो बहस कर रहा था, और तीसरे ने फायर किया। खरीदारी को लेके कोई विवाद नहीं था कि कोई खरीदारी को न, स्टाफ जो था यहाँ का उससे जो है कि बाहर का कोई विवाद रहा होगा, ये हम लोगों को पता है। कई लोग को गोली मारी गई है? सर 4 लोगों को। इसमें किसी की मौत भी हुई है? सर हम लोग, हमें डायरेक्ट तो नहीं पता है, लेकिन मीडिया वाले ही लोग बता रहे हैं कि उसमें से किसी दो, चारों में से सर एक का नाम गोपी है जो YWC में है, स्टॉक बॉय है, लड़का है 20 साल का, और दूसरा जो है चंदन नाम है उसका, वो उनकी उम्र सर 30-35 साल की है और वो स्टोर मैनेजर हैं टाइमेक्स के। तीसरे जो हैं सर वो बीइंग ह्यूमन का सेल्समैन है वहाँ का, उसकी भी 23-24 साल की उम्र है, और चौथा सर लिवाइस का टेलर है मास्टर, और उसकी उनकी करीब उम्र सर 40-45 साल की है। वाराणसी में एक मॉल में उस समय गोलियाँ चली जब कुछ खरीदार निजी मल्टीनेशनल कंपनियों के शोरूम में खरीदारी कर रहे थे। आपको बताते चले कि तमाम ऐसे बड़े दिग्गज नेता हैं जो वाराणसी का दौरा निरंतर करते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन अपने आप को मुस्तैद बताती है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि मॉल में जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से ढेरों ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति असलहे के साथ उस मॉल में न प्रवेश कर सके, फिर भी इस JHV मॉल में ये घटना हो गई है। घटना में जहाँ 2 लोगों की मौत हो गई है वहीं 2 लोग घायल हैं और निजी अस्पताल में भर्ती बताए जा रहे हैं। हम आपको सीधा दिखाना चाहते हैं कि ये वही मॉल है जहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनियों को की ढेर सारी शोरूम यहाँ पे हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है और पुलिस पूरी छावनी में पूरे मॉल को तब्दील कर दी है। प्रत्यक्षदर्शी जो हैं वो ये बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये पूरी घटना जो है वो आपस की रंजिश, ये बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी। वहीं पुलिस विभाग का कहना ये है कि जांच के बाद और CCTV खंगालने के बाद ही बता पाएंगे कि पूरा वाक्या क्या हुआ है। अमित दत्ता, ETV वाराणसी।